नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल हेल्दी लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जाने चिकन पॉक्स के लिए कैसे करें नीम का प्रयोग। आजकल हम बीमारियों के लिए पश्चिमी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करते हैं और इसकी अच्छाइयों को झुकलाया नहीं जा सकता, लेकिन इसके साइड इफेक्ट के रूप में कई खामियाँ भी हैं। इस मामले में भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा काफ़ी बेहतर है और इसमें से कुछ उपचार तो अब घरेलू हो चुके हैं। ऐसे ही कुछ दवाओं में है नीम। आयुर्वेद में नीम की अपनी एक खास जगह है। नीम को लेकर भारत में एक कहावत भी प्रचलित है, जिस धरती पर नीम के पेड़ होते हैं वहाँ बीमारियाँ कैसे हो सकती हैं। नीम की पत्तियाँ चिकन पॉक्स के इलाज में बहुत काम आती हैं। यह चिकन पॉक्स का इलाज करने और इसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह सबसे बेहतरीन औषधि है। यदि चेचक की शुरुआत में ही इस घरेलू औषधि का इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से रोका जा सकता है। चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है। यह रोग हवा के माध्यम से या एक संक्रमित व्यक्ति के छालों से लार, बलगम या तरल पदार्थ के संपर्क में आने से फैल सकता है। चिकन पॉक्स होने पर शरीर पर लाल रंग के छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं। जब चिकन पॉक्स किसी व्यक्ति को हो जाता है तो इस रोग को ठीक होने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं, लेकिन इस रोग में चेहरे पर जो दाग पड़ जाते हैं उसे ठीक होने में लगभग 5 से 6 महीने का समय लग जाता है। नीम की पत्तियां चेचक के इलाज में काफ़ी लाभदायक मानी जाती हैं। तो आइए जानते हैं, चिकन पॉक्स के होते ही आप नीम का इस्तेमाल कैसे करें। नीम की पत्तियों पर सोना चाहिए। एक्सपर्ट के अनुसार चिकन पॉक्स होने पर आपको सोते समय हल्के कपड़े पहनने और नीम की पत्तियों के बिस्तर पर सोना चाहिए। इन पत्तियों के प्राकृतिक रस से आपकी त्वचा को बहुत अच्छा अनुभव होता है। यदि इस इलाज को नियमित रूप से किया जाए तो चिकन पॉक्स की खुजली और दागों से निजात पाई जा सकती है। नीम की पत्तियों के पानी से नहाना। नीम की पत्तियों को पानी में उबाल उस पानी से नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं और ये खासतौर से चेचक के उपचार में सहायक होते हैं और उसके विषाणु को फैलने न देने में सहायक होते हैं। चिकन पॉक्स होने पर दानों में बहुत खुजली होती है। इस खुजली से निपटने के लिए आपको नीम की पत्तियों के पानी से नहाने से काफ़ी राहत मिलती है। इसके लिए गुनगुने पानी से भरे टब में नीम की पत्तियां डालें। इसे लगभग 10 मिनट तक डूबने दें। इस पानी से दिन में एक बार नहाने से आपको चिकन पॉक्स से निजात मिलेगी। नीम की पत्तियों का पेस्ट। नीम की पत्तियों का पेस्ट त्वचा के लिए स्वास्थ्यवर्धक और अच्छा है, क्योंकि इससे त्वचा तरोताज़ा हो जाती है। इसके लिए एक मुट्ठी नीम की पत्तियाँ लेकर उनका पेस्ट बना लें। नीम के पानी से नहाने के बाद चिकन पॉक्स वाले हिस्से पर इसका पेस्ट को लगा लीजिए। हालांकि इससे त्वचा में खुजली हो सकती है, लेकिन त्वचा के इलाज के लिए बहुत अच्छा उपाय है। नीम की पत्तियों का जूस। यदि आप पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो त्वचा पर नीम की पत्तियों का जूस भी लगा सकते हैं। नीम का जूस बनाने के लिए पेस्ट बनाने के बाद उसे निचोड़कर जूस बनाया जा सकता है। नीम की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल तत्व होने के कारण यह त्वचा के लिए बहुत प्रभावशाली होती है। यह न केवल दागों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि इन्फेक्शन को फैलने से भी रोकता है। अगर आप भी चिकन पॉक्स के लिए घरेलू उपायों की खोज कर रहे हैं तो आप नीम का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आए या फिर आपको कुछ अलग से जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों।